आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24। हम इस समय उपस्थित हैं बिजुआ ब्लॉक ग्राम पंचायत गोविंदापुर ग्राम नौरंगाबाद में। हम यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है नौरंगाबाद में, वहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे देखना है कि कितने बच्चे यहाँ पे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं और कितनों का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आइए हम जो यहाँ के उच्च टीचर हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं कितने नहीं हैं। तो सर अपना पहले नाम बताइएगा। रमेश कुमार। सर ये बताइए यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 209। 209 बच्चे हैं यहाँ पे। टीचर सर कितने? टीचर केवल दो लोग। दो लोग यहाँ पे टीचर हैं। अब देखना ये है यहाँ पे 209 बच्चे हैं यहाँ पे और टीचर है मात्र दो लोग। ये कितने से कितने तक है स्कूल सर? 6 से 8। 6 से 8 तक। तो सर ये बताइएगा आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाते हैं जब यहाँ पे 209 बच्चे हैं, यहाँ पे दो लोग हैं मात्र, कैसे आप उनको देख पाते हैं? उनको क्लास में जाके मेहनत करते हैं। यहाँ पे कितने क्लास लगाते हैं सर? क्लास 3 लगते हैं। 6 से 8। 6 से 8 3 लगते हैं। तो यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे टीचरों की जो है व्यवस्था कम है। यहाँ पे सरकार को ये देखना चाहिए कम से कम यहाँ पे टीचरों की जनसंख्या जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को बढ़िया से भविष्य यहाँ पे सुधारा जा सके। और ये बताइएगा बच्चों यहाँ आप आइए पहले, क्या नाम है आपका? यहाँ पे आज खाने में क्या मिला आपको? दाल चावल। दाल चावल डेली मिलता है कभी कभी? डेली दाल चावल नहीं, सब्जी चावल मिलता है। अच्छा, पर दिन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। दोबारा लेने जाते हैं, डांटती तो नहीं है? खाने के बारे में यहाँ पे देखिएगा बच्चों को जो है यहाँ पर भरपूर भोजन प्राप्त हो रहा है, इनको कोई जो है तकलीफ नहीं। यहाँ पे जो शौचालय बना है, आइए हम आपको शौचालय दिखाते हैं क्या कैसी है। यहाँ पे टंकी चल रही है या नहीं चल रही? ये देखिए यहाँ स्कूल का शौचालय बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कितनी ज्यादा गंदगी है। यहाँ जो बच्चे शौच के लिए आएंगे यहाँ पे इतनी गंदगी है, कीड़े मकोड़े सब, मौसम खराब है इसलिए यहाँ पे गंदगी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। इसको ना ही सफाई किया जा रहा है ना ही कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है सब खराब है यहाँ पे। अंदर का दिखाइएगा। यहाँ पे टंकी भी नहीं चल रही है और पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे टंकी का भी खराब हो गया। इसमें देखिए कितनी गंदगी जमा हुई है, इसको यहाँ पे सफाई कर्मी ना ही सफाई कर्मी ध्यान दे रहे हैं, ना ही यहाँ के जो है ग्राम पंचायत के प्रधान है वो भी यहाँ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे सफाई की जाए या नहीं की जाए। ऊपर टंकी रखी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे टंकी रख दी जाती है, हर स्कूल में टंकी रखी है कि यहाँ पे शौचालय बना है, बच्चे शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे। स्कूल में बच्चे आते हैं तो शौच करने के लिए वो बाहर उनको जाना पड़ता है। यही स्थिति है यहाँ की स्कूलों की। यहाँ पे जो रसोइयाँ हैं उनसे आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं कि उनको कितने बच्चों का खाना बनवाया गया है कितने बच्चों का नहीं खाना बनवाया गया है। आप अपना पहले नाम बताइए। राधा देवी। यहाँ पे कितने बच्चों का खाना बनाया गया है आज? 15 बच्चे। 15 बच्चे मात्र आए हैं। 209 बच्चों में से 15 बच्चे आज स्कूल के लिए आए हैं। मौसम खराब रहा है इसीलिए कम बच्चे आ पाए हैं। 9:15 बजे तक बारिश हुई है आज, इसीलिए बच्चे कम आ पाए हैं। और यहाँ पे कौन खाना बनाने में? तीन लोग। आप अपना नाम बताइए। सर कहाँ के हैं रहने वाले? अच्छा दादी आप? नन्ही देवी आप खाना बनाती हैं? आप उम्र तो बहुत हो गई है, कैसे बना लेती हैं यहाँ पे खाना? बनाए यहाँ पे ये खाना बना लेती हैं? दिखता उखता सही है? नहीं, आपकी उम्र हो गई है यहाँ पे भाई, नजर तो कम होगी आपकी। हम लोग नहीं है ना, हम लोग साथ में लेकर सब लोग कर लेते। आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24, अजय कुमार के साथ देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।